हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में ये मेरे पास में है एक लेजर सोर्स, ये उसका बटन, और इसका जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। येलो कलर, ग्रीन कलर, जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर आप इसका यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है ये रेड कलर, और रेड कलर में भी जो वेवलेंथ है वो 683 नैनोमीटर की है। तो एक सोर्स है सिंगल लाइट रे के साथ में, दूसरा सोर्स है ये मल्टीपल लाइट रे के साथ, और थर्ड सोर्स जो है वो वाइट लाइट सोर्स है। तो इस तरह से ये यहाँ तीन सोर्सेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट केस में मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ जो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ये वाइट, यहाँ मीडियम जो एनवायरनमेंट कंसिडर किया है वो एयर किया है। आप वाटर भी यूज कर सकते हैं, अब यहाँ वाटर होगा राइट, और या फिर ग्लास यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एयर को चूज करता हूँ, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन एन जो इसका होगा मीडियम का एनवायरनमेंट का वो है 1 राइट। तो यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास में है, और ये शेप के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। तो यहाँ मैं ये प्रिज्म एक यूज करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि ये लाइट जो है कैसे रिफ्रेक्ट होगी जो प्रिज्म से राइट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट होगी, तो ये बेंड कर जाएगी ठीक है। ये यहाँ जो मीडियम है, ये मीडियम जो है ग्लास मीडियम है, और ये लाइट जो है बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ जब ये पॉइंट पर आएगी ये नॉर्मल है राइट, तो यहाँ नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो वो ये कंसेप्ट है। तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रेयर मीडियम में जब लाइट आएगी तो वो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ कुछ फिनोमिना हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं फिर इसका अफेक्ट राइट। तो यहाँ ये फर्स्ट प्रिज्म मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ राइट, आप कोई भी वे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करता हूँ तो क्या होगा, मल्टीपल लाइट रे यूज करता हूँ तो क्या होगा, ये है ये व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को आप देख रहे हैं कि ये 7 कलर में चेंज हो चुकी है। जब प्रिज्म से पास होगी तो ये लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर एंगल पर आप देख सकते हैं कि ये कलर रेड, ग्रीन, येलो और ये ब्लू कलर में डिवाइड हुआ है। तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे तो डिफरेंट कलर की पॉसिबिलिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं राइट। तो यहाँ ये 7 कलर दिखाई जो पड़ रहे हैं आपको प्रिज्म के थ्रू, तो मैं ये लाइट को थोड़ा सा बैंड कर देता हूँ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ ये 7 कलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का सोर्स है राइट। तो व्हाइट कलर के अंदर 7 कलर दिखाई पड़ते हैं, और ये प्रिज्म से आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। अगर मैं अभी कोई एक दूसरा ये यूज करता हूँ प्रिज्म, और यहाँ से लाइट पास करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये राइट। तो अभी ये लाइट और बैंड कर जाएगी, तो इस तरीके से लाइट यहाँ से बैंड की, अब ये रेयर से डेंसर, डेंसर से फिर रेयर। तो लाइट का पाथ चेंज कर सकते हैं हम बाय यूजिंग दी प्रिज्म। तो अब ये देखिए कि ये अभी जो यहाँ व्हाइट लाइट थी प्रिज्म के थ्रू, इस पॉइंट पर ये 7 कलर थे, 7 कलर को आप इस वे में देख सकते हैं कि अभी जो प्रिज्म की एक स्मॉल पोर्शन जो है लाइट को स्ट्राइक किया है, उसको टच करता है, तो ये लाइट ब्रेकअप हो जाती है इनटू येलो और ब्लू में। थोड़ा सा और करके देखें तो ये रेड में चेंज हो गया, ग्रीन और ये सारा येलो ब्लू, ये मेजर कलर जो है इस साइड को शिफ्ट हुए। तो थोड़ा सा ही टच करने पे
आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती हैं, राइट। एक ये रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, एक ये मेन लाइट तो ये है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो हम लोगों का ये वाइट सोर्स है उसके अंदर एक तो ये है कि डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, और दूसरा लाइट को हम बैंड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ ग्लास मीडियम की जगह हम वाटर मीडियम रखने हैं वो प्रिज्म शेप के अंदर, तो वाटर से क्या होगा, ये आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और अगर मैं इसको ग्लास बोलता हूँ तो तब ये बिहेवियर है, राइट। यहाँ इसका, और ये जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है प्रिज्म, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लोअर साइड में ये मैं जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन अगर उसको चेंज करता हूँ, तो वहाँ आप उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी है उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट। और तो इस तरीके से ये सेवन कलर में दिखाई पड़ता हुआ, राइट, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो लाइट को बैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वे, राइट। तो वो उसके बाद से हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेपिस हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये राइट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी है, अब ये ब्लू इधर है और ये येलो और ग्रीन इधर है, तो और कोई पॉसिबिलिटी ले तो ये सर्कल ले लेते हैं, सर्कल बाद में रखेंगे यहाँ। तो ये इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से भी बेंडिंग हुआ है। और अगर दूसरा शेप ले लें ये, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इससे भी बेंडिंग है, और ये जो दूसरी शेप है इसके थ्रू यहाँ पर भी, राइट। तो ये थी डिफरेंट शेप ओके ऑब्जेक्ट्स जहाँ आपने यूज किया उनके अंदर वाटर और ग्लास, और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ जो है क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, राइट। तो ये जो है नॉर्मल है ऑन द सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। तो अभी एयर मीडियम था, अभी यहाँ वाटर मीडियम यूज करेंगे, तो अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ ग्लास यूज करूंगा तो और प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट में हम एयर रख के इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो आप इसको फैट सिमुलेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, वहां से इस चीज की लर्निंग आपको हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।